इस पावन में सुंदर और मैं जिसे कहना चाहूंगा सनातनी गोचर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज से निरंतर 27 दिवस पूर्व एक सुंदर अनुष्ठान, सनातन संस्कृति को बचाने का एक प्रयास शुरू हुआ। आज से ठीक 27 दिवस आपने एक, आप सभी में से गीता किस किस ने सुनी है या गीता की पुस्तक किस किस ने देखी है, हाथ खड़ा करके बताइए। किताब किस किस ने देखी है, सुनी भी होगी, किताब भी देखी। तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि गीता की पुस्तक में मेरे जो कृष्ण है वो तो आगे बैठे हैं और अर्जुन के रथ को हांक रहे हैं। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कृष्ण को सत्य को बचाना था। आगे रहकर के कृष्ण ने सत्य सनातन धर्म को बचाने की अगुवाई की और आज वही कार्य हमारे पूज्य श्री देवी सिंह जी भाटी कर रहे हैं, गो को बचाने। जीवन में जहां सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य आ जाए वहां हमें पीछा नहीं हटना चाहिए और यह कार्य किसी और ने नहीं, देखा जाए तो मेरे कृष्ण ने ही शुरू किया था। गो को बचाने का कार्य किसने किया, कृष्ण ने, तो कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल, क्योंकि मेरे भगवान ने गो को बचाने का कार्य। और आज हम सबके बीच में जब हमारे शहर में, हमारे राजस्थान, हमारे भारत, और भारत भी किसे कहा जाता है, सनातन संस्कृति को, क्यों हमारा भारत किस काम से, आपको पता है भारत का नाम क्यों पड़ा था, ये हम आगे की कथाओं में जानेंगे कि भरत जैसे यहाँ तीन भरत हुए थे हमारे भारत में, उन तीनों भरत ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम किया, तब हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और देखिए यह एक सुंदर अनुष्ठान इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मैं किसी अन्य स्थान पर भागवत करता, देखिए यह भगवान की असीम अनुकंपा है कि ये मेरी संस्थान मानव धर्म प्रचार सेवा संस्थान की 190वीं भागवत है। आज हमारी 190वीं भागवत शुरू हो रही है यहाँ। तो हमारा तो प्रयास था ही कि हम सनातन संस्कृति को बचाएं, क्योंकि मेरा नाम यह भी रिकॉर्ड है कि मैंने 6 वर्ष की उम्र में पहली देश में भागवत की थी, सबसे छोटे उम्र के कारण। फिर मुझे यह सूचना मिली कि मेरे खुद के शहर में, मेरे खुद के क्षेत्र में ही मेरे कृष्ण को ही बचाने का काम चल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान ने अपने पूर्ण के पूर्ण द्वापर युग में केवल एक ही संदेश दिया कि तुम गो को बचा लो, तुम अपने आप बच जाओगे। तो आज हमारे बीच में भी वही कार्य हो रहा है। तो मैंने कहा भला मैं भागवत क्यों नहीं करूंगा, तो देखिए आज से कोई इस भागवत को तय हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, आज से 3 दिवस पूर्व आए और मेरे दादा तुल्य श्री देवी सिंह जी भाटी के सामने हमने ये बस प्रस्ताव ही रखा था कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर यह सुंदर कर्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप मुझे कह रहे हो, क्योंकि जहाँ संस्कृति का काम होता है वहाँ मेरी अपने आप ही हाँ बन जाती है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बस इसी 3 दिवस के अंतराल यह सुंदर कर्म और सुंदर अनुष्ठान तय भी हो गया और आज से यह कार्यक्रम हमारा बड़ी ही अच्छे से आरंभ भी हुआ है। और कहने के लिए यह सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात है कि भागवत के प्रथम दिवस अक्सर भीड़ थोड़ी कम दिखाई देती है, परंतु यह मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा है कि हमारा पंडाल तो आज ही भर गया है। क्योंकि जहां सत्य का कार्य होता है ना वहां लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लोग वहां पर अपने आप पहुंच ही जाते हैं। तो आइए पुनः हम उस सुंदर संस्कृति, आपको पुनः एक बार मैं सूचना दे देता हूं कि सरकार द्वारा जो हमारे गो के लिए भूमि है वहां पर कब्जेदारियों को पट्टा जारी करने का आदेश पारित हो रहा है। तो
तो हमारी गो माता को बचाने का ये हमारा सुंदर प्रयास है। तो आप सब भी जुड़े, और अभी तक तो यह कार्यक्रम आप सभी ने देखा यहाँ था, राजस्थान में था और केवल अन्य क्षेत्रों में ही फैला था, परंतु कल 9 तारीख से साधना ईश्वर, साधना चैनल, गोरबंद चैनल इत्यादि सभी चैनलों के माध्यम से यह हमारा सुंदर आंदोलन एक धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश का आंदोलन बनने को तैयार हो चला। तो आप सभी 2 घंटे अपना समय निकालें और इस संस्कृति के सुंदर कर्म में आइए, हम सभी प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा, गो माता की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यक्ति के जीवन में जब अच्छे कर्म होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा उसके जीवन में भागवत नहीं आता। सत्संग मम लभते पुरुषो यदा, कि उसके जीवन में जब विवेक में आकर, बुद्धि में आकर कृष्ण विराजमान होते हैं। क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला जो कर्म था या उसके सबसे पहला जो पुण्य था वह यह है कि उसने भारत भूमि में जन्म लिया। लोग भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, देवताओं को भी जो सबसे प्रिय और सबसे प्यारी योनि है वो है मनुष्य योनि, क्योंकि इस योनि को प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन को सुलभता से मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो पहला पुण्य कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला, हमारा दूसरा पुण्य कि हमें मनुष्य योनि मिली, और हमारा तीसरा पुण्य कि हम भागवत जी के पांडाल में चल करके आ जाते हैं। वरना आप देखना अन्यथा क्षेत्रों में लोग घूमते बहुत हैं, और हो सके तो भागवत के, सुंदरकांड के, रामायण के पांडाल के बाहर से ही चले जाते हैं, पर अंदर आकर बैठकर 2 घंटे व्यतीत कर सके, आराम से इस ग्रंथ को श्रवण कर सके, ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो हम सबका भी सौभाग्य है कि हम इस सुंदर ग्रंथ को सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत। देखिए जिस प्रकार व्यक्ति जब पढ़ाई करता है और जब वह आगे आगे तरक्की करता है तो आपने देखा है कि पढ़ाई में उपाधियां मिलती है, डिग्री मिलती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे यहाँ पंडित, शास्त्री, आचार्य। ठीक वैसे ही जो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ होता है उसको उपाधि दी जाती है श्री मद की। तो श्रीमद तिलक से जिसे अलंकृत किया गया वह ग्रंथ बना श्रीमद भागवत महापुराण। इसके बारे में पहले हम जाने तो यह 7 दिवस का सुंदर ग्रंथ है। 7 दिवस का ही क्यों है ये हम आगे जाने, और बड़े ही सुंदर स्वरूप में इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। यह तो हो गई भागवत की। अब देखिए जब हम भागवत जैसा या कोई भी अच्छा कर्म करते हैं ना तो बाधा पहले आती है, उसमें बाधा अक्सर आ ही जाती है, और श्रीमद् भागवत में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो आती है निंद्रा देवी, नींद आने लग जाती है, भागवत में नींद आने लग जाती है। तो आप सभी को नींद ना आए इसलिए बीच में बड़े प्रेम से बोला कीजिए जय श्री कृष्णा। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। तो उस भागवत को जिसका हम श्रवण कर रहे हैं उसके अधिष्ठाता देव वह है हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, आइए हम सभी जानते हैं। तो एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से बतलाया गया, सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए हम किसी बात को अगर जल्दबाजी में बोल देना तो शायद वो हमारी समझ में नहीं आए, परंतु उस बात को हम धीरे धीरे पढ़े ना तो समझ में आते हैं। सच्चिदानंद, अब इसको हम अगर संधि विच्छेद करें, टुकड़े करें और पढ़े तो आता है सत, चित और आनंद।
सत। सत का मतलब होता है अविनाशी, जो पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में भी जो बचेगा वह होता है सत। अर्थात जो त्रिकाल बाधित है तीनों हमारे समय में रहता है, जो भूत में भी है, वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहेगा वह है सत्य। जिसका कभी भी अंत ना हो वह बन जाता है सत्य, और ऐसे सत्य है हमारे कृष्ण। दूसरा रूप है चित्त। चित्त का मतलब होता है भाई हम कोई कार्य करते हैं ना तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना कोई कार्य होता थोड़ी है। अब भागवत जी का भी अनुष्ठान है तो यहाँ बिजली की आवश्यकता है ना, प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु मेरे उस परमात्मा को प्रकाश की क्या आवश्यकता जो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। सत और चित जिसके रूप है और आनंद जिसका स्वरूप है। अब रूप और स्वरूप में अंतर होता है। स्वरूप तो मेरा यह है कि मैं भागवत करता हूं, मैं पंडित हूं, मैं आचार्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। पर रूप होता है जो हम हमारे परिवार के बीच में, मतलब किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का दादा पोता, जो हमारी रिश्तेदारी है वो होता है रूप। पर मेरे कृष्ण का तो रूप भी है और मेरे कृष्ण का तो स्वरूप भी है। वो किसी का भाई, बंधु, बहन भी है और वो किसी के लिए परमात्मा भी है। वो दोनों ही स्वरूप में कार्य करता है। तो सत, चित और आनंद। देखिए आनंद का स्वरूप है, उसको हम अनुभूत कर सकते हैं। आनंद हमें दिखाई नहीं देता कि रंग पीला है, नीला है, काला है। हवा दिखती थोड़ी है कि हवा का रंग क्या होता है। हवा तो हम केवल अनुभूत कर सकते हैं कि हवा चल रही है। गर्मी में मानते हैं कि हवा गर्म है और सर्दी में ठंडी है, परंतु मेरा परमात्मा उस आनंद का वैसा रूप है जिसको हम केवल अनुभूत कर सकते हैं कि वह हमारे बीच में विराजमान है और वह हम सभी के बीच में हर समय विराजमान रहता है। चाहे वह गो के स्वरूप में रहो, चाहे धरती माँ के स्वरूप में रहो। हम सभी कहते हैं ना भगवान, तो भगवान का रूप क्या होता है? भ का अर्थ होता है भूमि, ग का अर्थ होता है गगन, वा का अर्थ होता है वायु और न का अर्थ होता है नीर। जो पांचों तत्व है वही हमारे भगवान है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। क्योंकि हमने भगवान को प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, पर इन पांचों स्वरूप में हम भगवान को हर स्थान पर देख सकते हैं। और यह पांचों ही स्वरूप आपको एक स्थान पर देखना हो तो आप कहां देखोगे? इन पांचों को ही एक स्वरूप में देखना हो तो हमें नित्य सुबह उठते ही हमारी गौ माता के दर्शन कर लेने चाहिए। पांचों तत्व का उसी में दर्शन हो जाता है। और सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतु, वो जो यह सत्चित और आनंद का स्वरूप है वह करता क्या है? आप सभी को समझ में तो आ रही है ना मेरी बात? खूब आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे कोई? तो प्रेम से बोल दो ना, जय श्री कृष्णा। तो वह परमात्मा काम क्या करता है? सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतु, वह विश्व की उत्पत्ति करता है, स्वयं ही उसका पालन करता है और स्वयं ही उसका लय करता है। यह अंतर है हम में और हमारे परमात्मा। वह किसी को बनाता भी है, उसका पालन भी करता है और स्वयं उसी का विनाश भी करता है। क्योंकि हर चीज की, हर वस्तु की एक अवधि होती है, एक समय होता है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। वह तीन प्रकार के तापों का नाश करता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप, ताप यानी दुख काम करते हैं। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कि बड़े सेठ जी का परिवार है, घर में पैसा बहुत कमाते, पैसे की कोई कमी नहीं, पर घर जाके देखें तो सेठ जी खा रहे हैं लूखी फल का जिसमें घी नहीं लगा हुआ,
और साधारण सी पीली दाल। सेठ जी से पूछा जाए भी इतना धन वैभव संपदा है फिर खा ये क्यों रहे? तो सेठ जी कहते हैं धन तो बहुत है पर अगर ज्यादा हम तीखा खा लेवे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मतलब पैसा तो बहुत है परंतु उसका सुख उपभोग करने के लिए शरीर साथ नहीं देता। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब मन से दुखी कैसे भला? कि मान लीजिए प्रतिष्ठित परिवार धनी परिवार परंतु घर में बेटा कहा नहीं करता, घर में बेटी है वो सुनती नहीं, घर के बच्चे कही हुई बात को नहीं मानते, तो कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। कि देखिए आपने देखा है एक जो मजदूर होता है ना, मजदूर सब समझते हैं, एक मजदूर जो होता है वो अपने 8 घंटे कार्य करता है, अपनी पूरी मेहनत लगा के कर्म करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हो सके तो बाहर की ओर लटक कर कलर का काम करता है और शाम को जब लौट कर आता है तो उसे मिलते हैं 400 रुपए 500। अब खुद खावे, बच्चों को देवे, माता पिता को देवे या अपने अन्य वार त्योहार में वह कार्य करे, कर्म तो कर रहा है पर जो पैसे उसे मिल रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। पर जिन्होंने इन तीनों से निकल कर कृष्ण की प्राप्ति को मेरे भगवान की प्राप्ति को अपना चरम लक्ष्य बना लिया उसको जीवन में कोई भी रोग आकर के ताड़ित नहीं करते हैं, वो अपने आप ही तर जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यह तो था मेरे कृष्ण का स्वरूप सत्य चित और आनंद। देखिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास 7 दिवस है और समय भी भागवत का बहुत कम लिया है हमने, 2 घंटे। तो आपके मन में ये भी होगा कि हो सके भागवत संक्षेप कर दे। देखिए मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भागवत का एक प्रसंग भी नहीं छोड़ूंगा और 7 दिवस के अंदर आपको पूर्ण भागवत सुनाऊंगा। मैं तो बस उस श्रद्धालु को तलाशूंगा 7वें दिन जो मुझे आकर कह सके कि महाराज आपने वो प्रसंग नहीं सुनाया, तब मुझे यह एहसास होगा कि मेरी कही हुई भागवत सार्थक हुई है, किसी व्यक्ति ने एकदम सही मेरी भागवत सुनी है। क्योंकि मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी कि आप कहीं भी भागवत से दूर न जाएं और पूर्ण रूप से भागवत से जुड़ जाएं। तो मेरे कृष्ण का तो स्वरूप है सत्यचित और आनंद और वो आकर विराजमान है इस भागवत में, तो उसके स्वरूप को इस भागवत को आइए हम सभी बड़े प्रेम से जानते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव जी महाराज की, सूत जी महाराज की। भक्तजनों जैसे हम सभी सुंदर स्थान पर बैठकर भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से एक और सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो हमारे कृष्ण का स्वरूप कैसा है उसको जानेंगे फिर हम सभी नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, ताली बजाकर आनंद के साथ हमारे भगवान के भजन का आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। Yeah.
कहिए ना एक बार जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार हम इस सुंदर स्थान पर भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ठीक ऐसा ही सुंदर स्थान है नेमिषारण्य। नेमिषारण्य आप सभी ने नाम सुना होगा, बड़ी अच्छी बात है। नेमिषारण्य का अर्थ क्या होता है? वृंदावन गए तो सब है, वृंदावन का अर्थ क्या? हमारी आदत है देखिए कि हम जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं, अच्छी बात है।
परंतु उसका कारण भी तो जानना चाहिए ना। आप सब में से मंदिर की फेरी कौन देता है? सभी देते हैं। तो पीछे जाकर भगवान के एकदम पीछे हम सभी सिर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हम बताएंगे आपको। मतलब हम, बड़ी अच्छी बात है कि हम धर्म को जानना चाहते हैं, पर उसके बारे में जानना भी तो चाहिए ना, वरना भगवान को पीछे से जाके ऐसे हम ठोकर देते हैं। यह बात गलत नहीं है, यह सबसे श्रेष्ठ बात है जो हम पीछे जाकर सिर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं जरूर बताएंगे। निमिषारण्य 88,000 ऋषिगण, कितने? 88,000, एक दो नहीं, 88,000 इकट्ठे हुए और मिलकर के सबने सोचा कि हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें, हम सभी भजन करने के लिए एकत्रित होंगे। पर अब 88,000 के लिए उतना बड़ा स्थान भी तो होना चाहिए ना, 88,000 छोटे से स्थान पर थोड़ी आएंगे। तो सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर कहा, परमम देव ब्रह्म देवा देवादि देव नमो नमः, देव स्वरूपम प्रतिष्ठितम एव ब्रह्म देवाय नमः। देवों के देव तो महादेव, परंतु उससे पूर्व वंदना कर रहे हैं ब्रह्म की कि हे सभी को उत्पत्ति करने वाले ब्रह्म देव, हम आपको प्रणाम करें। हे ब्रह्म देव, हम सबके मन में इच्छा है कि हम भजन करें, संकीर्तन करें, पर कोई ऐसा स्थान तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र उत्पन्न किया है। क्या उत्पन्न किया है? चक्र। और उस चक्र को ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया कि इसके पीछे पीछे चलते जाओ और जहां जाकर ये रुक जावे वही तुम्हारे लिए अच्छा स्थान है। चक्र जो होता है ना, उसके किनारे तीखी तीखी धुरी निकली होती है। क्या निकली होती है? धुरी, जिसको हिंदी में कहते हैं नेमी। हिंदी नाम है उसका नेमी। वह चक्र चलता गया, वृंदावन काशी प्रयाग सब जगह विचरण करता करता एक जगह जाकर के रुक गया। और जंगल का पर्यायवाची होता है आरण्य, तो नेमी जाकर जिस आरण्य में गिरी उस स्थान का नाम पड़ गया नेमिषारण्य। आज से तो पता चल गया ना। अब ध्यान, अब चक्र का काम क्या होता है? घूमना। तो वो जिस जमीन में जाकर रुका वहां पर घूमना शुरू हो। हम जहां जिस धरा पर रह रहे हैं इससे नीचे भी सात लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। इससे नीचे सात है और इससे ऊपर भी सात लोक है, भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्म लोक। अब वह जो चक्र था वो नीचे के लोक को खोद रहा। तो देव जो सभी संत जन थे वो बड़े परेशान हो, क्योंकि चक्र अगर जमीन को खोदते खोदते नीचे पहुंच गया तो सातवां लोक होता है पाताल, और पाताल में केवल जल है। तो ऋषियों ने सोचा कि अगर ये चक्र पाताल में पहुंच गया तो सारा का सारा पानी ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम भजन कहां पर करेंगे? तो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं किसी की उत्पत्ति कर सकता हूं, उसके आगे का कार्य विष्णु का है, तो भेजा। संत गण दौड़ते दौड़ते विष्णु जी के पास, कहा, भगवान कृपा कीजिए अन्यथा हम भजन नहीं कर पाएंगे। विष्णु जी ने कहा कि आप सभी भजन कर सको, इसीलिए वह जो चक्र है उस जमीन को खोद रहा है। पता है क्यों? देखिए, एक दो व्यक्ति हो और वह अपना नित्य कर्म करे तो उसको कितनी पानी की आवश्यकता होगी? एक बाल्टी, दो बाल्टी, तीन बाल्टी। पर 88,000 ऋषिगण है तो उनको कितने जल की आवश्यकता होगी? तो मेरे भगवान ने वहां पर यह लीला की है कि वह अपना नित्य कर्म भी कर सके और मेरा भजन भी कर सके, दोनों कार्य वह साथ में कर ले। तो विष्णु ने उन्हें वहां पर एक माँ पराम्बा ललिता का स्तोत्र बताया कि इसका जाकर आप सभी वहां पर जाप कीजिए। ऋषि जाकर के उस मंत्र का वहां पर जाप किया है, वहां पराम्बा माँ ललिता माँ करणी ने स्वयं अपना प्रकट लिया। बोलिए करणी माता की।